नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, को रिड्रेस करना ड्यूटी है अथॉरिटी का। तो मेरा ख्याल से ये सब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होने के लिए शायद, और जो लड़का लोग का डिमांड भी है वो कोई गलत डिमांड है, बाहर आदमी के लिए नहीं है, अपना यूनिवर्सिटी के लिए ही है, स्टूडेंट के लिए है। अगर वो लड़का लोग कहीं बाहर आदमी के लिए कुछ डिमांड करता है तो गलत है। लेकिन जो अभी जो डिमांड कर रहा है, जो 7 पॉइंट आप लोग, वो जो डिमांड जो है यूनिवर्सिटी का गुडविल के लिए है, यूनिवर्सिटी का अच्छाई के लिए, ख़राब के लिए नहीं है। तो मेरा जो ख्याल है इसको अथॉरिटी भी समझना चाहिए। तो उसको समझने के लिए अथॉरिटी आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरा का सोच को समझना। ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए अथॉरिटी बैठता है, उस चीज़ को अथॉरिटी भी कभी कभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए। मतलब हर कोई बोलता है कि ऐसा करेगा वैसा करेगा, देगा ना दूध दिस, हम ये कर देगा वो कर देगा, बट दे नेवर पुट दैट थिंग इनटू एक्शन। तो वही हम पूछ रहे हैं, यू बीइंग रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट लीडर, यू आर द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर ये नहीं होता है बोलने से आपका तरफ से, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन, बिकॉज वी कैन नॉट एंश्योर दैट व्हाटएवर द रजिस्ट्रार हैज सेड विल हैपन। हम लोग भी डिमांड ही कर सकते हैं, अरुणाचल में आजकल डिमांड मेमोरेंडम ही चल रहा है, वो हम लोग भी कर सकते हैं। उसका अलावा अगर अथॉरिटी नहीं मानता है तो हम लोग डेमोक्रेटिक वे में मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे जो डेमोक्रेटिक वे में अभी जो कर रहा है, इस तरह का चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। उसका अलावा आप बताइए, हम स्टूडेंट लीडर हैं, हम फाइनल अथॉरिटी नहीं है। एवरी स्टूडेंट लीडर डज नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। उसको बात करने में बहुत शायद अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। केवल हम डिमांड कर सकता है ये चीज होना है बोल के भी नहीं है, देने वाला भी सामने देखना पड़ेगा कितना दे सकता है। तो देने वाला अगर दे नहीं सकेगा उसके ऊपर भी जोर जबरदस्ती करके क्या करेगा। इसलिए प्रॉब्लम जो है क्या है, हम एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। हम डिमांड जरूर करेंगे। आपका जो मीटिंग हुआ आज ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो सर मीटिंग में क्या प्रोविजन निकला और आप लोग उससे कितना फेवर। देखिए मीटिंग का बात ऐसा है, हर चीज़ का सोल्यूशन एक होना पड़ता है। जो सोल्यूशन का दो रहा है बंद होने की वजह से हमारा यहाँ में मोर देन 500 जो हमारा एम्प्लॉय है उनको तकलीफ हो रहा है। गांधी सर पे एफआईआर का कोई तो मिस नहीं कर रही है, जो एफआईआर का एफआईआर का ऐसा है, व्हेन एफआईआर एवर लॉज हो गया, केस रजिस्टर हो गया, उसको अभी पहले हमने बोला हम उसको लीगल वे में डील करेंगे, लीगल वे में जाके कोर्ट में बात कर सकते हैं उसको। नहीं तो बाकी चीज़ को अभी हम देखो, अब ताला तोड़ना आसान है, किसी को मारना आसान है, लॉ को तोड़ना मुश्किल है। अगर लॉ किसी में अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो उस चीज़ को लॉ से ही हटाना पड़ेगा, लीगली उसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट किया, कंप्लेनर अगर ज़्यादा ही जोर देता है तो एक प्रॉब्लम होता है।
तो इसलिए हम अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ज़्यादा फोर्स मत लगाइए, इस चीज़ को हमको एमिकेबली सॉल्यूशन करने के लिए दीजिए। अभी हम ये FIR को लेके कोर्ट में जब जाएगा उस समय में हमको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, हमको उसको सही ढंग से सॉल्यूशन है, क्योंकि जो लड़का है वो क्रिमिनल नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, वो जितना भी काम किया जो यूनिवर्सिटी के लिए ही काम किया, यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड किया है, बस एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसका वजह से ये चीज़ निकला है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बींग ए स्टूडेंट लीडर इसको भी हम दूर करने का ट्राई करें। स्टूडेंट का कहना है कि जो सिस्टम है उनको वो कॉपरेट करने के लिए रेडी है, लेकिन उनका जो प्रोसीजर है उनको जेल में नहीं डालना है, ये इसको हम भी कमेंट नहीं कर पाएगा। लीगल प्रोसेस में जिस तरह से जाएगा एक लीनियंसी ड्रॉ करने के लिए हम बात करेगा, लीनियंसी ड्रॉ करने के लिए बात करेगा जहां में हर किसी को एक दूसरा को प्रॉब्लम ना हो, सेटिस्फाई हो, उस चीज़ तक हम करने के लिए। कुछ कुछ चीज़ का जो रिएक्शन होता है, कुछ चीज़ का रिएक्शन होता है वो रिएक्शन में हुआ ही, जो रिएक्शन में होने वाला चीज़ को जो अगर वो एक्ट गलत होता है तो उस एक्ट को कंडेम करना दरकार होता है। तो जिस तरह से वैंडलाइज किया है, हम देखा नहीं है, मीडिया में है निकला है, हम फिजिकली देखा नहीं है, अगर ऐसे हुआ है तो वो चीज़ गलत है, लेकिन गलत हुआ किसी ने, आदमी देखता है कि उन्होंने तोड़फोड़ किया, लेकिन तोड़फोड़ किया क्यों है उसको आदमी देखना चाहिए, लो भी इसको ही सिर्फ देखता है कि तोड़फोड़ किया है, लेकिन प्रोवोकेशन कहाँ से हुआ उसको भी देखना चाहिए। तो इसलिए इसका बारे में हम बाद में अच्छा से मीडिया ब्रीफिंग करेगा, डिटेल्स लेने का बाद जो एक्ट किया है, कभी कभी अपना डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ हद तक जाता है, लेकिन आज जो किया है, कल जो कुछ हुआ है, वो कुछ हद तक कंडमनेबल है, उसको हम भी मानता है, और दूसरा तरफ से कभी कभी प्रेशर टैक्टिक्स भी होना चाहिए। थैंक यू सर। मतलब वो FIR को विद्रोह नहीं किया ना सर? FIR तो विद्रोह नहीं हुआ है, एक बार FIR जो केस रजिस्टर हो जाता है उसका विद्रोह का प्रोसेस जो है नहीं है अभी का समय में, तो इसको किस तरह से लीगल वे में जाना उसको हम देख के बात करेंगे। कब तक हो पाएगा सर? क्या चीज़ FIR विद्रोह नहीं होगा, उस चीज़ को देख के हम लोग किस तरह से लीगल वे में चीज को करना उसको देख लेंगे, क्योंकि हर कोई इधर में फंसना नहीं चाहे, उसको किस तरह से हम लोग अपने लीडर को निकालना है, अपने बाइल को निकालना है, किस तरह से हम लोग बाइल को सेफ में रखना है उसको हम लोग। इतना समय पहले क्यों आपने जो मेमोरेंडम सबमिट किया, पहले आके क्यों ये चीज़ को सॉल्व नहीं किया है, जब धरना करने का बात ही क्यों सोचा? एक तो आपको क्लियर कर दीजिए, मेमोरेंडम अभी जो जितना हम पॉइंट दो तीन पॉइंट बोला है, ये राइटिंग में या ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन इन लोग तरफ से नहीं आया है, आज ही हम सुना है, आज ही हम देखा है पेपर्स को, हाँ देख के हम अपना खुद से को कंसर्न ऑफिसर को भी हम अवेयर कर लिया है, बात कर लिया है, तो उस हिसाब से हम ये एक्चुअली बोलने का भी नहीं है, मेमोरेंडम देने का भी नहीं है, मेरा ही ड्यूटी है, हमारा ही काम है, उसको हम जब अभी रियलाइज हुआ, मालूम हुआ है, तो तुरंत उसको जितना हो सके हम करने का कोशिश करें। एग्जैक्टली आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका काम बनता है कि जितना भी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब स्टूडेंट आपके साथ आता है तो आप कहता है कि मिसी को मिलो, फिर मिसी बोलता है कि आपको मिलो, यहाँ पर ऐसा हो कि ऐसा मतलब स्टूडेंट को चारों नहीं मिला, तभी जाकर ये मैंने से उठाना पड़ा। सर एडिंग ऑन टू हर सर, आप इसको इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेगा, वाज़ इट ऑर्डर फ्रॉम VC की स्टूडेंट को इग्नोर किया जाए, व्हाट इज योर डेफिनेशन? जस्ट कंट्रडिक्शन, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, हम लोग स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट का बात को हम कैसे इग्नोर करेगा, जो भी बात है उसको सुनेगा, उसको किस हिसाब से हम लोग रिजोल्व करना है, उसको डील करना है या इसको अटेंशन देना है, उसको हम लोग निकलना पड़ेगा ना, और ये यूनिवर्सिटी सर अडिंग टू दैट, व्हाट इज द पैराडाइम गोइंग ऑन बिटवीन द VC एंड अमंग यू बॉस, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड, हमेशा इन ये VC का जब से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है देयर ऑलवेज गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ होता रहता है, सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, टेल अस द पैराडाइम। That I can, if I know, उसको हम तुरंत एक मिनट में रिजोल्व करना चाहिए, आई कैन नॉट एक्चुअली से प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इज सच आई डोंट फाइंड, हम लोग एक कॉर्डियल ये में काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशन में VC अथॉरिटी है, ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं करती,
ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर एलिज टुगेदर। जो भी डिसीजन होता है हम डिलीग्रेशन डिस्कशन का साथ में आता है, ऐसा कुछ दिखते तोड़ या ऐसा तो हम कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि हर जो कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह मेरा हाथ से जाता है, एक्शंस आर टेकन आफ्टर ड्यू प्रोसेस, डिलीगेशन कमिटी रिपोर्ट वो सब आने का बाद तो ऐसा कुछ हम अनएथिकल ऐसा महसूस नहीं हुआ। थैंक यू सर। We heard that 17th October has been declared as a black day by the teaching faculty. Is that true? That I cannot. Okay. Thank you.